हेलो फ्रेंड्स, तो ये है जेड डायनेस्टी का सेकंड पार्ट। इसके पहले पार्ट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा कि शाओ फैन और लीने पूजी नाम के मॉन्क से मिलते हैं, जो शाओ फैन को एक मैजिकल ऑर्ब देता है। लेकिन वो देखते हैं कि एक डार्क पावर ने उनके गाँव के सभी लोगों को मार दिया है। इधर शाओ फैन गाँव में आगे बढ़ता है और अपनी फैमिली को आवाज लगाता है कि आप लोग कहाँ छुपे बैठे हो। तभी उसकी नजर नीचे जाती है, जहाँ हर तरफ ब्लड फैला हुआ है, और वो देखता है कि कुछ मॉन्स्टर्स उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। वो जल्दी से उनसे दूर जाना चाहता है, लेकिन अचानक एक मॉन्स्टर उस पर अटैक कर देता है और यहाँ पता चलता है कि ये सब तो वो एक सपना देख रहा था। फिर वो रूम से निकलकर बाहर आता है और इसे एक बुरा सपना समझकर अपने पेरेंट्स को आवाज लगाने लगता है, लेकिन वहाँ उसकी सुनने वाला कोई नहीं था। यही हम लिन को देखते हैं, जो साइड में बैठा रो रहा था, और वो भागकर शाओ फैन से लिपट जाता है। शाओ फैन भी उसकी हालत देखकर उदास हो जाता है और उसे समझाता है कि ये सब सच नहीं हो सकता। लेकिन लिन उसे होश में आने को कहता है और बताता है कि हमारा घर और परिवार दोनों ही जा चुके हैं। तभी हम वहाँ एक दूसरे आदमी को देखते हैं और पता चलता है कि वो उन दोनों को अपने साथ ले गया है। वो आदमी अपना नाम काई बताता है, जिसे ये दोनों कल रात गांव में बेहोश पड़े हुए मिले थे और वो उन्हें उठाकर अपने घर ले आया था। वो कहता है कि डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अब तुम किंग युंग सेट में हो और मेरे मास्टर तुमसे कुछ सवाल करना चाहते हैं। तभी उन्हें किसी के गुर्राने की आवाज आती है और पानी से एक बड़ा सा ड्रैगन निकल कर उनके सामने आ जाता है। काई उन दोनों को पीछे की ओर खींचता है, लेकिन देखता है कि वो ड्रैगन बहुत गुस्से में है, और तब वो हाथ जोड़कर उसे ग्रीट करता है और बताता है कि इन्हें किंग डाओशुआन ने यहाँ बुलाया है। वो ड्रैगन एकदम से शाओ फैन के करीब आ जाता है और ऐसा लगता है जैसे वो उसे स्मेल कर रहा है। फिर वो बिना कुछ किए वहाँ से चला जाता है और काई बताता है कि ये हमारी गार्डियन स्पिरिट है, जो हजारों सालों से यहाँ की रक्षा कर रही है, और हम लोग इसे वाटर ड्रैगन के नाम से बुलाते हैं। काई भी ड्रैगन के इस बर्ताव से हैरान होता है, लेकिन उन्हें विश्वास दिलाता है कि वाटर ड्रैगन उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। फिर वो उन्हें पैलेस की ओर चलने को कहता है और शाओ फैन को लगता है कि शायद ये ड्रैगन इस ऑर्ब की वजह से अट्रैक्ट हुआ था। आगे हम उन्हें पैलेस में देखते हैं, जहाँ सेक्ट के सभी यूनिट्स के मास्टर बैठे हुए हैं और इनका किंग है मास्टर डाओशुआन। काई उन्हें गांव में हुए कत्लेआम के बारे में बताता है कि कैसे ये सब एक सिंगल फाइटर का काम था और अब वहाँ सिर्फ तीन ही लोग जिंदा बचे हैं। सबसे पहले वो अंकल बैंक को बुलाते हैं, जो अभी भी पूरी तरह से दहशत में है और आते ही चिल्लाने लगता है कि डेविल लोगों को मार रहा है और अब हम में से कोई नहीं बचेगा। सेक्ट के लोगों से उठाकर बाहर ले जाते हैं और तब काई उन्हें शाओ फैन और लिन के बारे में बताता है कि वैंग के अलावा बस वही दो जिंदा बचे हैं। वो दोनों उन लोगों को देखकर घबरा जाते हैं और लिन शाओ फैन से नील करने को कहता है। किंग उनसे पूरी बात बताने को कहता है और तब लिन उसे बताता है कि मैं तो उस रात घर में सो रहा था और जागने पर खुद को टेम्पल के करीब पाया। अब इसके बीच में क्या हुआ उसके मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, और मैं बस इतना जानता हूँ कि उस डेविल ने हमारी पूरी फैमिली को मार डाला। फिर किंग शाओ फैन से अपनी बात बताने को कहता है, लेकिन शाओ फैन को पूजी का दिया हुआ अपना वादा याद आता है और वो उन्हें कुछ नहीं बताता। कैंगसोंग नाम के मास्टर को लगता है कि ये शायद उस घटना से डर गया है और वो काई से उन्हें बाहर ले जाने को बोलता है। यही हम डाजो पीक के मास्टर बुई को देखते हैं, जो कहता है कि हमारा सेक्ट हजारों साल पुराना है, लेकिन फिर भी हम एक छोटे से गांव को प्रोटेक्ट नहीं कर पाए तो भला दूसरी मुसीबतों से कैसे लड़ेंगे। याकुंग नाम का मास्टर कहता है कि ये सब शायद ऊपर वाले की मर्जी है और हमें इन अनाथ बच्चों को सहारा देना चाहिए। किंग भी उसकी बात से एग्री करता है और पूछता है कि कौन कौन इन बच्चों को अपने अंडर लेना चाहेगा। मास्टर जियांग इसके लिए तैयार हो जाता है और कहता है कि लिन मुझे इनमें से ज्यादा बहादुर लगता है, तो मैं उसे अपने साथ रखने के लिए तैयार हूँ। लेकिन दूसरे मास्टर इसके लिए बिल्कुल एग्री नहीं होते। बुई लिन को अपने डाजू क्लैन में लेना चाहता है, लेकिन कैंगसोंग को लगता है कि वो उसके सही पोटेंशियल को नहीं पहचान पाएगा और लिन की जगह उसके ड्रैगन क्लैन में है। किंग भी उनकी बहस सुनकर परेशान हो जाता है और फैसला करता है कि लिन कैंगसोंग के साथ ड्रैगन क्लैन में जाएगा और बुई के साथ जाएगा शाओ फैन, और ये कहकर वो इस मीटिंग को खत्म कर देता है। बाहर हम शाओ फैन और लिन को देखते हैं, जहां शाओ फैन कहता है कि वो वापस अपने घर जाना चाहता है, लेकिन लिन उसे समझाता है कि अब हमारे पास कोई घर नहीं बचा। तभी वहां काई और कैंगसोंग आते हैं और काई लिन को बताता है कि आज से तुम इन्हीं के क्लैन में हो और अब तुम्हें इनके साथ जाना होगा।
लिन उनसे शाओ फैन के बारे में पूछता है, लेकिन काई कहता है कि उसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि वो अब से मास्टर बुई के अंडर है। बुई उसे पाकर बिल्कुल खुश नहीं होता और यहाँ शाओ फैन डेरेन नाम के आदमी से मिलता है जो खुद भी बुई के डाजू क्लैन से है और वो शाओ फैन से कहता है कि मैं वहाँ पर तुम्हारा अच्छे से ध्यान रखूंगा। फिर लिन और शाओ फैन एक दूसरे से अलविदा लेते हैं और लिन उसे समझाता है कि अब से तुम्हें अपना ध्यान खुद ही रखना होगा। काई भी उन्हें अलग होते देखकर दुखी हो जाता है कि पता नहीं ये दोनों कैसे सरवाइव करेंगे। और तभी किंग उसे कहता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए कॉन्फिडेंशियल काम है। आगे का सीन डाजू क्लैन का है जहां वो एक छोटे से बच्चे को देखकर बहुत हैरान होते हैं और उसे बुली करने की कोशिश करते हैं। एक लड़का उसकी वुडन तलवार छीन लेता है और कहता है कि हिम्मत है तो इसे वापस लेकर दिखाओ। तभी एक लड़की वहां आकर उन्हें बहुत डांटती है कि तुम एक नए मेंबर के साथ ऐसे नहीं कर सकते और वो एक एक करके उन सभी की कमियां गिनाने लगती है। पता चलता है कि मास्टर बुई की बेटी लिंजर है और इसीलिए सब उससे बहुत डरते हैं। तभी बुई अपनी वाइफ और डेरेन के साथ वहां आता है और डेरेन शाओ फैन का सबसे इंट्रोडक्शन कराता है कि ये सब तुम्हारे सीनियर्स हैं, लेकिन शाओ फैन इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाता और उन लोगों से अपनी तलवार वापस छीन लेता है। फिर डेरेन के कहने पर वो मास्टर उसकी वाइफ को चाय सर्व करता है और लेडी मास्टर कहती है कि अब से ये क्लैन ही तुम्हारा नया घर है। आगे हम उन्हें डिनर करते हुए देखते हैं और बुई डेरेन से कहता है कि कल से इनके कल्टीवेशन की ट्रेनिंग तुम्हारे जिम्मे है। वहीं उसकी वाइफ उसे शाओ फैन का खास ध्यान रखने को कहती है क्योंकि इन सब के लिए वो बहुत छोटा है। लिंजर भी बाकी लोगों को वॉर्न करती है कि अब से शाओ फैन मेरा खास दोस्त है और तुम में से कोई उसे बुली नहीं करेगा। वो सब लोग भी शाओ फैन से माफी मांगते हैं और कहते हैं कि आज से हम भी तुम्हें अपना फैमिली मेंबर समझेंगे। रात को शाओ फैन अपने रूम में आता है और उस मैजिकल ऑर्ब को बाहर निकाल कर देखता है। तभी उसे पूजी की बताई वो शर्त याद आती है कि उसे अपनी स्किल ट्रेनिंग रात को ही करनी होगी और ये सोचकर वो कल्टीवेशन को प्रैक्टिस करने लगता है। अगली सुबह शाओ फैन एक हॉल के बाहर आता है और देखता है कि लिंजर वहाँ उससे मिलने आई है जिसके साथ उसका डॉग येलो भी है। वो इतने बड़े डॉग को देखकर हैरान रह जाता है और तब लिंजर उसे बताती है कि ये असल में मेरे डैड का डॉग है और इसकी उम्र 100 साल से भी ज्यादा है। तभी वो लोग डेरेन को वहाँ देखते हैं जो कहता है कि आज से शाओ फैन की स्पिरिचुअल जर्नी शुरू होने वाली है और उन्हें अपने साथ जंगल की ओर ले जाता है। रास्ते में वो शाओ फैन को एक रूल के बारे में बताता है जिसके हिसाब से नए डिसाइपल को रोज यहाँ बैम्बू की कटिंग करनी होती है और ये सिलसिला लगातार 3 साल तक चलता है, लेकिन क्योंकि वो अभी बहुत यंग है तो फिलहाल उसे रोज एक ही बैम्बू काटना होगा। इस पर शाओ फैन कहता है कि पहले भी मैं लकड़ियाँ काट चुका हूँ और इससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और ये सुनकर डेरेन उसे कटर देता है। लिंजर भी अपनी स्किल्स का एक नमूना उसे दिखाती है और कहती है कि तुम भी ये आसानी से कर सकते हो। शाओ फैन भी जोश में एक बैम्बू ट्री को हिट करता है, लेकिन देखता है कि वो उसकी सोच से भी ज्यादा हार्ड है। डेरेन और लिंजर भी ये देखकर हंसने लगते हैं और डेरेन उसे बताता है कि ये हमारे क्लैन का ब्लैक नोटेड बैम्बू है और इसे काटने के लिए तुम्हें बहुत मेहनत करनी होगी। अगले दिन से शाओ फैन अपनी प्रैक्टिस करने लगता है और हम देखते हैं कि डेरेन और लिंजर की मदद से उसने काफी इम्प्रूवमेंट कर ली है। फिर जल्द ही वो बड़ा हो जाता है और लिंजर भी उसकी स्किल्स देखकर बहुत इम्प्रेस होती है। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड भी खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, इसका अगला पार्ट देखने के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।